हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन टूर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा किचन कैसा है। छोटा सा है पर अच्छा है। तो यहाँ पर ये मैंने रखी है, ये गर्म पानी करने के लिए इलेक्ट्रिक जो केटल आती है वो है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ये और यहाँ पर है ये मच कड़छी, ये सारी यहाँ पर मैंने स्टैंड लगाया हुआ है। और सामने है मेरा ब्लाइंडर, यहाँ पर है तवा रोटी का, और यहाँ पर एक छोटी सी बास्केट मैंने बनाई है ली है, इसमें दो खाने हैं। यहाँ पर मैं सारी कैंची, लाइटर, चक्कू, बेलन ये सब यहाँ पर मैं रखती हूँ साइड में। और यहाँ पर है ये मेरी गैस, गैस के सामने ही एग्जिट विंडो है जो बाहर गली की ओर बाहर के रास्ते में पड़ती है। ये गैस के सामने ही ये विंडो, और ये छोटी सी विंडो है। और यहाँ पर है ये मेरा चॉपिंग बोर्ड जो कभी कभी मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर मेरे सब्जी धोने के लिए जो बड़ी छन्नी आती है वो है, और इसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है ये वाला। यहाँ पर मैं चाय की छोटी सी केटल है, ये चाय छानने के लिए छन्नी है, ये कद्दूकस करने की छन्नी है। और यहाँ पर मैं सारे कप और चाय के मग रखती हूँ। और ऊपर देख रहे हो ये मटके का ढक्कन है, और यहाँ पर ये छोटी वाली कढ़ाई, और ये बड़ा भिगोना है। उसके नीचे है इसके नीचे है जो मैं चावल छानती हूँ वो छन्नी भी है। और यहाँ पर ये छोटा सा कोने में सिंक के ऊपर लगा है ये पत्थर है। यहाँ पर मैंने ये टमाटर रखे हुए है जिसे मैंने वॉश करके यहीं पर रख दिया था। मैं टमाटर अभी विंटर में, सर्दियों में मैं फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि बहुत ज़्यादा पक जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते खाने में, तो इसीलिए मैं इसे बाहर ही रखती हूँ। और इसमें एक दो टमाटर दो दिन पहले के भी पड़े हुए हैं। ये देखो अभी ये अच्छे ही है। रोटी रखने के लिए जो छन्नी आती है वो है। और यहाँ पर है जो मैं सुबह एलोवेरा और आंवले का जूस पीती हूँ वो। यहाँ पर है ये मेरी सर्व करने के लिए दो ट्रे रखी हुई है, मैं अक्सर इसमें सब्जियाँ भी काट लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर है ये मेरी टंकी का नल यहाँ पर, और ये स्टील की सिंक है। यहाँ देखो ये छोटी सी है। यहाँ पर अभी मैंने इमामदस्ता साफ करके रखा है और सुबह के बाद बर्तन किए थे तो अभी लगाने बाकी है। ये यहीं पर पड़ा है टोकरा। और यहाँ पर है ये मेरा पानी का मटका, और ये बड़ा वाला ड्रम है जो ढक्कन वाला आता है वो। इसमें मैं जब भी खाना बनाती हूँ इसी में से पानी यूज़ करती हूँ, और इसमें से हम पानी पीने के लिए लेते हैं। सब्जी और सब आटा लगाने के लिए मैं पानी का यूज़ इसी में से करती हूँ। और यहाँ पर उसके सामने बड़ी वाली विंडो है जो पीछे आंगन में गेट से एंटर होते हैं तभी ये बड़ी वाली विंडो है। अभी तो हमने वहाँ बाहर से उसे कवर कर दिया है क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा यहाँ से हवा आ रही थी, इसीलिए हम सर्दियों में इसे कवर कर देते हैं। यहाँ पर एक पन्नी लगा दी है जिससे हवा अंदर ना आए। और ऊपर रखे हैं सारे कांच के और स्टील के मेरे ग्लास आते हैं, कड़सा बोलते हैं वो, ये सब वहाँ पर रखा हुआ है। और उसके बाद ये देखो ऊपर मैंने रखा है छोटे भिगोने हैं यहाँ पर, ये मेरे सारे कुकर है, ये स्टील का कुकर है। यहाँ पर ये तीन छोटे बड़े कुकर है। और यहाँ पर है ये मेरा थाली रखने के लिए स्टैंड, तो यहाँ पर मैं थालियाँ रखती हूँ जिसमें हम खाना खाते हैं। और यहाँ पर छोटे बड़े सारे भिगोने लगाए हैं, और ये छोटी प्लेट है, यहाँ पर भी थाली है, और नीचे में सारी कटोरी रखती हूँ। कड़छी बोलते हैं वो है, कद्दूकस करने के लिए भी छन्नी रखी है, चाय की छन्नी तो वहीं पर रखती हूँ। और यहाँ कोने में एक पानी का जग रखा हुआ है, और ये मेरी कोकरी है चाय की, चाय के कप और प्लेट है। और यहाँ पर है ये रोटी का डब्बा, और साइड में ये दो तीन बोतल रखी हुई है पूरी तलने के लिए है, एक जाली बोलते हैं वो, और ये घी के लिए है बड़ी वाली छन्नी। और यहाँ पर ये जो मेरी एक्स्ट्रा स्पून, स्पोक, चक्कू ये सब होता है वो यहाँ पर मैंने एक कोने में ये डिब्बा लगा दिया है, उसमें रखती हूँ। और उसके बाद ये देखो नीचे ये मेरी यहाँ पर लहसुन रखा हुआ है, और ये नीचे भी ये आलू रखने के लिए डाली है। तो अभी इसमें मैंने कुछ रखा नहीं, इसमें इस बास्केट में अभी लहसुन पड़ा हुआ है। ये मेरा तेल का
तीन है, ये मैं यही डिब्बा ही मंगाती हूँ। और यहाँ पर है आलू प्याज की मेरी टोकरी, और जो प्लेट मेरी वो स्टैंड में नहीं आती है बड़ी वाली, वो इसमें मैं ऊपर लगा देती हूँ। और यहाँ पर ही मेरा डस्टबिन है, जो मैं कूड़ा जब किचन का कोई भी काम करती हूँ जो कूड़ा निकलता है वो इस डस्टबिन में ऐड कर देती हूँ। और प्लेटफॉर्म के नीचे ऐसी रैक बनी हुई है, पर ये इसमें कोई फर्नीचर नहीं किया हुआ है, ये ऐसे की ऐसी है, खुली है। यहाँ पर ये मेरे घी के डब्बे और भी कुछ सामान है, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये मेरे छोटे बड़े जो तेल के डिब्बे है वो है, और यहाँ पर मैं कुछ मुझे ज़्यादा यूज़ में नहीं होता वो डिब्बे यहाँ पर मैं रख देती हूँ, जिसमें ये अनाज का पाउडर है जो बोरिक पाउडर बोलते हैं ये, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें रखी हुई है, इसे मैं ढक कर रखती हूँ क्योंकि ये मेरे कैबिनेट वो ये दरवाजे, इसमें कोई दरवाजे लगे हुए नहीं है, ये खुला ही है। तो यहाँ पर ये मैं जो दूसरी वाली मसालदानी है जिसमें मैं खड़े मसाले रखती हूँ, ये मैं रोज़ में यूज़ में लेती हूँ वो मसालदानी है। यहाँ मेरा आटे का डिब्बा है जो पोलोथन बोलते हैं वो है, यहाँ मैं हजार है, ये मेरा तेल का कंटेनर है, वहाँ पर कसूरी मेथी है और भी कई सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये नीचे देखो यहाँ पर मैं रोटी बेलने के लिए जो चकला होता है वो है, दो चकले है। यहाँ पर मेरे किचन के टावल, रोटी रखने के लिए जो मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ वो, और ये मेरी छोटी बड़ी परात, दो कढ़ाई है यहाँ पर, ये लोखंड वाली और एल्यूमिनियम वाली। और यहाँ पर है ये गुड़ का डिब्बा, और यहाँ पर है ये मेरे आटे के दो डिब्बे, ये एक में मैं बाजरे का आटा रखती हूँ और एक में गेहूँ का। तो ये नीचे से प्लेटफॉर्म के नीचे जो खा कैबिनेट होता है वो है, और यहाँ पर है मेरा गैस का सिलेंडर, और यहाँ इसके बाजू में ही रखा है मैंने मिक्सचर के दो जो डिब्बे होते हैं वो मैंने यहीं रखे, और एक दो पॉलीथीन भी रखी हुई है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से, ये सारा ऐसा दिखता है मेरा कैबिनेट ऊपर से। ये देखो ये पूरा जो थाली स्टैंड है उसके बाजू में बनाया हुआ है, ये देखो पूरा इसमें, ये देखो नहीं, एक दो तीन चार पाँच, पांच खाने बने हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला ऊपर वाला है जो, यहाँ पर ये मैंने बड़े से छोटे वाले डिब्बे रखे हैं, इसमें मैं नाश्ता रखती हूँ, बिस्किट, मैगी के पैकेट हो गए, रस के पैकेट, ये बड़े वाले डिब्बे में। यहाँ पर जो चाय पत्ती होती है, कोई भी जो साबुत अनाज थोड़ा सा भी बच जाता है वो मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ एक ही डब्बे में, इससे क्या होती मुझे दिक्कत नहीं होती ढूंढने में। और यहाँ पर भी नाश्ता ही है, और यहाँ पर है गेहूँ का आटा जो भाखरी होता है वो, और यहाँ पर है ये चिड़ियों का नाश्ता जो हम सुबह चिड़ियों को डालते हैं वो गाठिया है। और उसके बाद है ये सारे मेरे सारी दालें, यहाँ पर मूंग है, चोरी है, राजमा है, उसको पीस कर मैंने इसका पाउडर बना लिया है वो है। यहाँ पर तिल है, मेथी, हाँ मूंग की छिलके, ये छिलके वाली है, ये छिलके वाली नहीं है, बिना छिलके वाली है, ये देखो। और यहाँ पर है साबूदाना, नीचे जो सूखे मटर आते हैं वो है वाइट वाले, यहाँ पर जीरा है, यहाँ पर तुअर दाल है जिसे अरहल की दाल बोलते हैं, यहाँ पर है चने, यहाँ उड़द की दाल है, यहाँ राई है, और यहाँ पर भी कुछ है अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर है सारे मेरे मसाले का पाउडर है, और गरम मसाला है, ये मेरा खाने का सोडा है, यहाँ पर थोड़े से मरी रखे हुए है जो ब्लैक पेपर होता है, यहाँ पर खसखस है, और ये है ये ब्लैक पेपर का पाउडर पिसा हुआ है, यहाँ पर एक कॉफ़ी की डब्बी रखी हुई है, और इसमें भी कुछ है ये डब्बी छोटी वाली, और यहाँ पर ये मेरे स्टील के सारे डब्बे हैं, ये है चाय पत्ती का डब्बा, और ये है शक्कर चीनी का डब्बा, और इसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ होगा। इसमें मैं चावल रखती हूँ, इसमें मैंने लाल मिर्च रखी हुई है अभी। और नीचे आप देखो तीसरा वाला खाना, तो यहाँ पर ये मेरा नींबू का अचार जो मैंने एक महीने पहले ही डाला है,
और उसके नीचे जो डिब्बा देख रहे हो ये मिक्सर का छोटा वाला जार है, तो उसमें है ओट्स, यहाँ पर मेरी लाल मिर्च है, यहाँ पर है हींग पिसवाई हुई, मैं पूरे साल की पिसवा लेती हूँ साथ में ही, यहाँ पर हींग रखी हुई है, यहाँ पर मूंगफली के दाने हैं, ये मेरे अगले साल का नींबू का अचार है, अभी इतना ही बचा है। और यहाँ पर ये मैं दिया बाती के लिए घी अलग रखती हूँ, तो इसमें वो घी है, ये मेरे बेटे का शेकर है पीने के लिए, और ये बड़ा वाला भी यहाँ है, और इसमें मध है हनी जो सुबह मेरे हस्बैंड पीते हैं गर्म पानी के साथ। यहाँ पर और भी सारी जो छुटर पुटर आइटम होती है वो रखी हुई है। उसके बाद ये चौथा वाला खाना है, यहाँ पर भी जो छोटी छोटी डिब्बी आपको यहाँ दिख रही है ये रैंक में, यहाँ पर मैं भुने जीरे का पाउडर अलग से रखती हूँ, जब मैं रायता बनाती हूँ तभी मुझे मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें पिंक सॉल्ट है, फिर फुदीने का पाउडर है, ये सब सारी चीज़ें छोटे छोटे जार में रख के मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। और यहाँ पर है ये काचरी, ये सारे स्टील के डब्बे हैं, एक जैसे चार है, एक मैंने रख दिया है, ये अभी उसमें भरने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने उसे साफ करके रख दिया है। और उसके नीचे जो लास्ट वाला का कैबिनेट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर मेरी मिक्सर है, इसका कवर ये मैंने हाथों से ही बनाया है, इसे कवर लगा कर ही मैं रखती हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा एक डिब्बा है, यहाँ अचार की चार पड़ी है, और ये डिब्बा है एक छोटा वाला, और ये दिख रहा है आपको, इसमें मेरा चॉपर है जो मैंने आपको गाजर के हलवे में दिखाया था वो, और ये चिप्स बनाने के लिए मशीन आती है वो है, और तीन डब्बे और भी यहाँ पर रखे हुए हैं। बस यही है मेरी छोटी सी किचन, तो आप लोगों को मेरी किचन कैसी लगी आप मुझे बताना। और किचन के ऊपर जहाँ मैं मेन एंटर होती है वहाँ पर है माता रानी की तस्वीर, जो अन्नपूर्णा बोलते हैं, इसकी तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई है। और बस यही है मेरी छोटी सी किचन, देख लो पूरी। एक साथ दो लोग काम नहीं कर सकते, दो तो आराम से आ जाते हैं, पर तीन लोग एक साथ मेरी किचन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी सी किचन है, बहुत बड़ी नहीं है। देखो इस ऐसी दिखती है मेरी किचन सामने से, छोटी से पर बहुत अच्छी है। तो चलो, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और मुझे कमेंट करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ, तो चलो मिलती हूँ कल, बाय।